hello and very good morning to all uh, this is me rahul bharadwaj and i welcome you all to let's crack upsc csc this is our daily current affair news analysis and we are covering the important news from uh, the hindu and indian express so let us see what are the important takeaways here uh, let me just share the session so that everybody can join us स्टार्ट करते हैं बिफोर यू मूव लेट मी नो दैट एवरीथिंग इज फाइन और यू वीडियो एवरीथिंग इज फाइन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू आर कनेक्टेड विथ मी ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप ओके सो यू विल गेट द एक्सेस ऑफ पी डी एफ ऑफ द सेशंस भी फ्री क्लासेज है उसकी इंफॉर्मेशन सेशन की इंफॉर्मेशन फाइन ये सब आपको यहाँ पे मिलता रहेगा कोई भी आपका एग्जाम रिलेटेड डाउट है यू कैन डेफिनेटली आस्क टेलीग्राम के थ्रू आप रीच आउट कर सकते हैं स्टार्ट करेंगे जी एस पेपर टू से फाइन और एक आज सोशल मीडिया को लेके बहुत इंटरेस्टिंग सा हमारे पास आर्टिकल है इंस्टाग्राम का वो भी हम डिस्कस करेंगे देखिए कल हमने न्यूज़ डिस्कस की थी रिगार्डिंग दैट मिड डे मील स्कीम मिड डे मील जो स्कीम है उसको रीब्रांड uh, किया जा रहा है उसका नाम चेंज किया गया है उसके लिए फ़ंड अलोकेशन किए जा रहे हैं हमने पूरा एक सिनेरियो देखा था पूरा एनालिसिस किया था कि इंडिया का जो यू हैव दैट माल न्यूट्रिशन जो बच्चों के अंदर वूमन के अंदर जो प्रॉब्लम है अंडर न्यूट्रिशन की माल न्यूट्रिशन की उसका क्या प्रिवलेंस है ना कहाँ पे है इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कहाँ स्टैंड कर रहा है क्या कर सकते हैं यूनिसेफ की तरफ से जो इनपुट्स थे कल के पेपर में वो हमने डिस्कस किया था तो उसी के रिगार्डिंग एक आपका ये ये एडिटोरियल है और इसमें ये कह रहे हैं कि आपने अप्रूवल तो कर दिया पी पोषण स्कीम बना दी है और जो मिड डे मील स्कीम है वो अब पी पोषण स्कीम के नाम से रहेगी एक मेजर चेंज क्या हुआ है मेजर चेंज ये हुआ है कि आ, प्री प्राइमरी वाले जो बच्चे हैं उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया है क्योंकि जो मिड डे मील स्कीम है उसमें क्या है फर्स्ट से एट्थ क्लास तक के बच्चे इंक्लूड थे फाइन उनको जो लंच दिया जा रहा था मिड डे मील जो दिया जा रहा था दैट वाज दैट पार्ट तो बेसिकली दिस आर्टिकल इज कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है बट यू विल हैव टू डू सम अदर थिंग्स एज वेल क्या यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं एक तो ये कह रहे हैं कि ये जो स्टेप लिया गया पीएम पोषण स्कीम वाला जिसके अंदर आप प्री प्राइमरी मतलब uh, जो आपके यू कैन से आंगनवाड़ी के अंदर जो बच्चे हैं जो प्री प्राइमरी एजुकेशन ले रहे हैं उनको भी uh, ये सब चीज़ें न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स दिए जाएंगे तो ये बहुत ही ज़रूरी था बिकॉज कोविड नाइन्टीन की वजह से ऑलरेडी लोगों की इनकम डाउन थी इन्फ्लेशन बढ़ रही है ठीक है सो फैमिलीज़ आर लेस लाइकली टू अफोर्ड द न्यूट्रिशस फूड तो इन दिस केस दिस कांड ऑफ इनिशिएटिव विल डेफिनेटली हेल्प एज फार एज इंडियाज़ प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द माल न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन तो ये बहुत अच्छा स्टेप है देर इज़ नो डाउट अबाउट इट और इंडिया के अंदर जो प्रिवलेंस है चाहे हम एनीमिया की बात करें अगर आप देखते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है उसका फर्स्ट फेज का डेटा आ चुका है तो वहाँ पे भी हमारे लिए कंसर्न करने वाले इशू हैं एनीमिया अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ द वुमन आर एनीमिक ओके अडोलसेंट गर्ल्स भी यहाँ पे चैलेंज फेस कर रही हैं और बच्चों के अंदर जो आपका वेस्टिंग है ये एक सीरियस प्रॉब्लम है स्टंटिंग भी आपका इंक्रीज हो रहा है थर्टीन स्टेट्स के अंदर मतलब बच्चों की जो वेट है जितना होना चाहिए उनकी हाइट के अकॉर्डिंग और उनकी एज के अकॉर्डिंग जो उनकी हाइट होनी चाहिए ये दोनों चीज़ें क्या हैं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं स्टैंडर्ड से कम जा रहा है तो ये किस वजह से हो रहा है ये हो रहा है कि उनके जो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स हैं वो उनको पूरा नहीं मिल पा रहा है या तो अंडर uh, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है या माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है तो बच्चों की अगर हेल्थ सही नहीं रहेगी सो चिल्ड्रन आर बेसिकली द फ्यूचर ओके हमारा फ्यूचर है इंडिया का फ्यूचर है वो अगर इस तरह से न्यूट्रिशन uh, नहीं मिलेगा सो देर विल बी यूज़ कॉन्सिक्वेंसेज ठीक है अब प्रोडक्टिव वर्कफोर्स को तो भूल जाइए वो बर्डन की तरह बनता जाएगा तो हियर इज़ अ वेरी काइंड ऑफ सीरियस कंसर्न एंड डेफिनेटली ये पी एम पोषण स्कीम इस दिशा में एक सही प्रयास है एंड दिस हॉट मील प्रोग्राम इन द गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स कवरिंग अराउंड ट्वेल्व करोड़ चिल्ड्रन विल बी सप्लीमेंटेड विद न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स इन द आइडेंटिफाइड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्स गवर्नमेंट यहाँ पे कह रही है कि अब यहाँ पे पूरे इंडिया में सिचुएशन सेम नहीं है अगर हम इंडिया के मैप को इस तरह से देखते हैं तो यू विल सी कि हाँ साउथ इंडियन स्टेट्स है ये थोड़ा बेटर कर रहे हैं और यहाँ पे ईस्टर्न और नॉर्थन इंडियन स्टेट्स हैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटस नीचे की तरफ है तो इंडिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं अगर आप देखोगे यू हैव अराउंड सेवन फोर्टी समथिंग डिस्ट्रिक्स है ना उनमें से हंड्रेड प्लस डिस्ट्रिक्स ऐसे हैं लगभग एक से एक के लगभग डिस्ट्रिक्स ऐसे हैं जहाँ पर ये डेवलपमेंट के इंडिकेटर सबसे कम हैं ओवरऑल डेवलपमेंट क्राइटेरिया देखेंगे तो उन उन डिस्ट्रिक्ट को फोकस करने के लिए कि यहाँ पे हम डेवलपमेंट पहले करेंगे तो गवर्नमेंट ने क्या किया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चला दिया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट उनको कहा गया कि यहाँ पे हमें इन प्रायर डेवलपमेंट को बिल्कुल प्रायोरिटी पे लेना है युद्ध स्तर पे लेना है ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी उसके फायदे भी हो रहे हैं नीति आयोग डायरेक्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है और जो एस्पिरेशनल हैं वहाँ पे भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया है तो एडिशनल न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स ऐड किए जा रहे हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर क्योंकि तो वहाँ पे अगर आप देखोगे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में एनीमिया uh, की प्रिविलेंस ज़्यादा है बच्चों में माल न्यूट्रिशन का प्रिवलेंस ज़्यादा है तो यहाँ पर एडिशनल बेनिफिट आपको चाहिए जो गवर्नमेंट दे रही है विद द हेल्प ऑफ दिस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एक्सटेंड किया गया प्री प्राइमरी चिल्ड्रन को दैट इज़ अ थिंक एंड प्रोवाइड्स फॉर सोशल ऑडिट को प्रोविज़न दिया गया है ताकि करप्शन वगैरह के चांसेस नहीं रहें है ना लोगों का पार्टिसिपेशन रहे यही तो गुड गवर्नेंस होता है क्रिएशन ऑफ स्किल न्यूट्रिशनल गार्डन्स टू सोर्स द फ्रेश प्रोड्यूस स्कूल के अंदर ही न्यूट्रिशनल गार्डन्स बनाए जाएँ क्योंकि जनरली गवर्नमेंट स्कूल होते हैं काफ़ी स्पेस होता है, है ना इवन आप सिटी में देखोगे थोड़ी सी भी जगह है तो लोग वहाँ पे गार्डन लगा लेते हैं अपने टेरेस पे गार्डन लगा लेते हैं खुद की सब्जियाँ वगैरह उगा रहे हैं तो क्या हम ऐसे स्कूल गार्डन्स को प्रमोट कर सकते हैं न्यूट्रिशन के पर्पज के लिए वहाँ से फ्रेश वेजीज मिल जा रही हैं <coughs> बहुत ही इनोवेटिव ये वे है सो यू कैन डेफिनेटली मैंशन ऑल दीज थिंग्स एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो एफ पी ओज हैं उनको आप डायरेक्ट लिंक कर दीजिए स्कूल से सो दैट स्कूल के अंदर आप क्वालिटी फूड ले रहे हैं ना ऐसा बचा हुआ बासी खाना नहीं जा रहा है एक क्वालिटी आपकी मेंटेन हो रही है दैट विल डेफिनेटली रिफ्लेक्ट इन न्यूट्रिशनल स्टेटस एज वेल लोकल फूड ट्रेडिशन पे फोकस किया जाना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है है ना लोकल फ़ूड ट्रेडिशन का मैं एक एग्जांपल देता हूँ uh, अभी अगर हम देखेंगे स्पेशली नॉर्थ इंडिया में uh, या फिर हम राजस्थान गुजरात की तरफ देखते हैं यू विल सी वीट का बहुत ज़्यादा यूज़ है है ना वीट का बहुत ही uh, एक कॉम्पोनेंट है जो स्टेपल डाइट बन चुका है इवन इन द रूरल एरियाज़ ओके द पीपल आर कंज्यूमिंग वीट बट वहाँ पर जो स्टेपल डाइट हो रहा है वो होता है आपके जो मिलट्स होते हैं है ना जिसे हम कहते हैं मोटा अनाज है फॉर uh, एग्जाम्पल बाजरा इज देयर है ना बाजरा है तो बाजरे में जो आयरन का कॉन्टेंट है बहुत ही ज़्यादा है आयरन कॉन्टेंट अगर आप बाजरा खा रहे हैं तो एनीमिया होने के चांसेस ड्रेस्टिकली रिड्यूस हो जाते हैं दिस इज काइंड ऑफ साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट तो यहाँ पे यह कहना यहाँ पे यह कहना कि जो लोकल फूड ट्रेडिशन है उस पर फोकस किया जाएगा दिस इज अ गुड थिंग ठीक है हर तरह से एक तो इजीली आपके लिए एक्सेसिबल हो जाता है अफोर्डेबल प्राइस पे एक्सेसिबल हो जाता है लोकल जो फूड ग्रोवर्स हैं उनके लिए भी इनकम का सोर्स अच्छा है और आपको भी तो न्यूट्रिशनल बेनिफिट मिल रहा है ठीक है सो दिस इज द थिंग गवर्नमेंट में मस्ट डेमोस्ट्रेट दैट दिस सक्षम आंगनवाड़ी मिशन अंडर दिस पोशन टू जहाँ पे है जिसको गवर्नमेंट ने एमगेमेंट किया है पोषण अभियान के अंडर में क्योंकि जो भी स्कीम्स थी उनको एक साथ ले आए थे पोषण uh, ये 2.0 के अंदर और यहाँ पे डेफिनेटली गवर्नमेंट इनको एक साथ तो ला रही है चाहे वो अडोलसेंट गर्ल्स की बात हो आंगनवाड़ी क्रैचेज की बात हो बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि गवर्नमेंट को यहाँ पे बजटरी एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा ठीक है इसका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर इंश्योर करना पड़ेगा देन ओनली वी कैन गेट द बेनिफिट्स ईयर और यहाँ पे ये बहुत ही सीरियस इशू है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया दैट्स आई वी नीड टू टेक दिस इशू ऑन प्रायोरिटी बेसिस दिस शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड शुड इंट्रोड्यूस ए ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ डाइट्स कुछ और सजेशन ये दे रहे हैं कि डाइवर्सिटी डाइट की डाइवर्सिटी बढ़ा दीजिए क्योंकि आप अलग अलग कॉम्पोनेंट लेते हैं तो ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है माइक्रोन्यूट्रियन प्रोटीन डेफिशियंसी को भी डील करेगा एक ब्रेकफास्ट का भी आप ऐड कर सकते हैं अगर यहाँ पर ये ब्रेकफास्ट वाला कॉम्पोनेंट होड होता है दैट विल हेल्प अलॉट इस्पेशली जो वेजिटेरियंस हैं तो उनको जो काफ़ी सारे कॉम्पोनेंट हैं वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं है ना काफ़ी सारे वाइटामिनस हैं असेंशियल एमिनो एसिड्स हैं तो वो uh, आपको अगर वेजिटेरियन डाइट पे हैं और हम देखते हैं काफ़ी uh, बड़ा एक सेक्शन स्पेशली uh, जो है वेजिटेरियन डाइट पे रहता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मिल्क मिल्क प्रोडक्ट्स हेल्प करेंगे तो उनका एडिशन विल हेल्प अ लॉट अपार्ट फ्रॉम दिस ठीक है सो दिस मच यू शुड नो तो कुल मिला के आपका न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन पर इस साल मेंस में एक क्वेश्चन रहना चाहिए हंगर जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर टू है उस पर क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल की मेंस के अंदर लेट अस सी किस तरह से रहता है दिस इज अ मेजर थीम यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा uh, अगर इस साल नहीं रहता है तो अगले साल के लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक बिकॉज दिस इज़ अ काइंड ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इवन मैंशन इन योर सिलेबस तो इसको जी पेपर टू में भी देख सकते हो और डिफरेंट हंगर की डिफरेंट डायमेंशनस है उसको सोसाइटी में भी पूछ लेगा जी एस पेपर थ्री में भी पूछ सकता है तो यू शुड बी अवेयर ये आर्टिकल है और ये है आपका आर्टिकल जो चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान उनकी तरफ से ये आर्टिकल है जनरली यू सी दिस काइंड ऑफ आर्टिकल्स इन द इंडियन एक्सप्रेस बट ये आर्टिकल आज आपका हिंदू में है तो ये थोड़ा सा अलग है बट बहुत हमारे लिए यूजफुल आर्टिकल है प्रैक्टिकल इंसाइट हैं है ना ये जो आर्टिकल है स्वच्छ भारत अभियान के रिगार्डिंग लिखा गया है तो स्वच्छ भारत अभियान आप जीएस पेपर थ्री में भी यूज़ हो जाएगा आपका ठीक है और ये आर्टिकल जिस तरह से लिखा है एक तरह की केस स्टडी अपने आप में है है ना जहाँ पे जो लीडर है वो खुद बता रहे हैं कि उनकी सफलता का राज क्या है गेटिंग दिस बिकॉज मध्य प्रदेश इज अ काइंड ऑफ स्टेट जिसने बहुत अच्छा किया है अगर हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करें तो स्वच्छ भारत अभियान आप सभी को पता है Uh, कल आपका गांधी जयंती है दो अक्टूबर है कली के दिन रिलीज हुआ था 2014 में स्वच्छ भारत जो अभियान है क्लीन इंडिया जो मिशन है आज बहुत पॉपुलर बन चुका है ना 2014 में गांधी जयंती के दिन ही उसको लॉन्च uh, किया गया था नाउ द थिंक इज दैट स्वच्छ भारत अभियान का टारगेट था पाँच साल के अंदर मतलब दो में हमें ये सब चीज़ें अचीव करनी है लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट बनता है जो अपने टारगेट से पहले ही जो सारी चीज़ों को अचीव कर रहा है फॉर एग्जाम्पल अर्बन अगर आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे वाई वी आर डिस्कसिंग दिस आर्टिकल इन द कॉन्टेक्स ऑफ द मध्य प्रदेश आई एम गिविंग यू द रीज़न है ना कि क्यों यहाँ पे हम आ, जो एक लीडर हैं उनकी सफलता की कहानी क्या है वो पढ़ रहे हैं ना क्योंकि ये आपका जी जो पेपर फोर है ना उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जी पेपर फोर में इंटरव्यू के अंदर ये जो पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं दीज आर वेरी रेलिवेंट वेरी प्रैक्टिकल एंड एक्सीलेंट पॉइंट्स इसे हम देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं देखिए वैसे तो 2019 में आपको टारगेट करना था ये उसी तरह से है कि आपको सिलेबस का कर... आपने टारगेट बनाया कि मेरा प्रॉब्लम्स है मुझे 30 सितंबर तक सिलेबस खत्म करना है और आपने अगस्त में ही सिलेबस खत्म करके रख दिया समथिंग लाइक दिस तो यहाँ पे मध्य प्रदेश ने क्या किया 2017 के अंदर ही 2019 टारगेट था अर्बन मध्य प्रदेश ने दो में आपका ये ओ सर्टिफिकेशन ले लिया था ना? है ना ओपन डिफिकेशन फ्री जो सर्टिफिकेशन है ये आपका मिल गया था रूरल मध्य प्रदेश ने 2018 में ले लिया था तो कहने का मतलब है अपने टारगेट से पहले ही अचीव कर रहे हैं और आपको ध्यान होगा स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग आती है स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग आती है क्लीन जो सबसे क्लीन सिटीज हैं इंदौर वहां पर बैक टू बैक दो से सिंस टू इंदौर आपका टॉप कर रहा है इंदौर हैजबिन रैंकड द क्लीनेस्ट सिटी इन द इंडिया सिंस 2017 तो कुछ तो किया होगा स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर करना है ना साउथ इंडियन में कोई सिटी होता तो वहाँ पे इतने इश्यूज़ नहीं है लेकिन नॉर्थ इंडिया में जिस तरह का बिहेवरल चेंज हमें चाहिए क्योंकि सैनिटेशन को लेके एक मैंटेलिटी ये रहता है कि हमें पर्सनल स्पेस तो क्लियर करने हैं बट जो पब्लिक स्पेस है उसके क्लीन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी गवर्नमेंट की है तो हम देखते हैं जनरली पब्लिक स्पेस इतने क्लीन नहीं होते हैं अक्रॉस द इंडिया आप कहीं पर ही चले जाइए लेकिन जिस तरह का आपको बिहेवरल चेंज चाहिए स्पेशली uh, जहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है वहां पे इस तरह का चेंज लेके आना दिस इज काइंड ऑफ यूज थिंक तो कैसे इन्होंने अचीव किया ये एक बहुत ही अच्छा है और ये मेरे को आ, मैं वापस यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ जीएस पेपर फोर जो आपका इथिक्स है वहाँ पे इसके इनपुट्स यूजफुल होंगे मी आई थिंक में है हैव दैट वाटर सैनिटेशन एंड ऑल चलिए द थिंक इज दैट यहाँ पे ऑथर डिस्कस कर रहे हैं कपल्ड विथ टेकलिंग द ओपन डिफिकेशन थ्रू बिहेवियरल चेंज स्वच्छ भारत अभियान को जब अनाउंस किया गया तो वो उसका अनाउंसमेंट ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात था ये इन्होंने कहा और द थिंक वॉज दैट कि वहाँ पे एक स्प्रिट क्रिएट करना ओके okay, पेट्रियटिज़म की कि अगर आप सफाई रख रहे हैं सो इट मीन्स यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द नेशंस डेवलपमेंट ये लोगों के अंदर एक सेंस डेवलप किया गया विद द लॉन्च ऑफ दिस स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ भारत मिशन का टारगेट था कि प्रोवाइड किया जाए हर फैमिली को सैनिटेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए इंक्लूडिंग टॉयलेट्स एंड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम तो ये दो मेजर आपके इश्यूज थे अभी तो स्वच्छ भारत मिशन की पार्ट टू लॉन्च हो चुका है ना उस पर भी हम आएंगे ऑलरेडी हमने कई बार पार्ट टू को डिस्कस भी किया है तो अब ये कह रहे हैं कि आ, हमें मतलब लॉन्च कोई भी स्कीम है उसको लॉन्च करना है तो हम क्या कहेंगे एज ए चीफ़ मिनिस्टर मेरे लिए बहुत ईजी था यहाँ पर यह डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे आप टॉयलेट बना दीजिए यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर लाइन ऐसा कर दीजिए समथिंग लेकिन हमने क्या किया हमने सबसे पहले हमने सबसे पहले जो ग्राउंड रियलिटीज़ थी उनको जानना जरूरी समझा और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ग्राउंड लेवल पर जाके हमने सबसे चर्चा की है ना कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया एट ग्राउंड लेवल और यहाँ पे ये यह जो कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज था इससे हमें पता चला कि लोगों के सैनिटेशन स्वच्छता को लेके क्या इश्यूज़ हैं क्या उनकी एक्चुअल में प्रॉब्लम है एट द ग्राउंड लेवल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये उसी तरह से है जब पुराने ज़माने में आप देखते थे कि राजा जो है अपने एडवाइजर से अलग हो के कई बार है ना दूसरे कपड़े पहन के पहचानने में नहीं आ रहे हैं वेश बदल के राजा घूम रहे हैं तो पता चले उनको क्या बात हो रही है हमारे बारे में ठीक है क्या लोग फेस कर रहे हैं समथिंग लाइक like, तो इन्होंने क्या कहा कि एक्चुअल में इश्यूज़ हैं क्या क्या फंडामेंटल इश्यूज़ हैं जो मध्य प्रदेश में सैनिटेशन को लेके हैं वो हमें यहां पे पता चला विद द हेल्प ऑफ सीरीज ऑफ इंटरेक्शंस और इस इंटरेक्शन से क्या हुआ ये जो की होल्डर्स स्टेक होल्डर्स के साथ हमने इंटरेक्शन किया इससे हमें पता चला कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है किस तरह से होनी चाहिए और ये एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट था हमने शुरुआत करने से पहले जो फॉलो किया ये क्रूशियल पॉइंट था कि आज हम इतना जो है सक्सेसफुल हैं सक्सेसफुल के रिगार्डिंग मैंने आपको डेटा शेयर किया था 2018 में अर्बन अर्ब मध्य प्रदेश जो है ओपन डिफिकेशन फ्री हो जाता है थोड़ा सा जूम इन कर दिया है मैंने ओपन डिफिकेशन फ्री हो जाता है दो में पूरा आपने टारगेट अचीव किया है तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आप कोई भी चीज स्कीम ला रहे हो लॉन्च हुई है है ना तो उस स्कीम के अंदर कॉम्पोनेंट डेफिनेटली वही होंगे जो लोग फेस कर रहे हैं लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन थोड़ा सा वेरी करेगा किस तरीके से उस स्कीम का इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है वो थोड़ा सा एरिया से एरिया डिपेंड करता है किस एरिया में आप इंप्लीमेंट कर रहे हो तो अगर वहां पर आप एज ए डी एम लगे हुए हो कोई केस स्टडी है यू कैन मेंशन कि आप वहां पे ग्राउंड रियलिटी जानेंगे लोगों से इंटरेक्शन करेंगे है ना कुछ वेरियस पंचायत ले ली जहां पे डेवलपमेंट इंडिकेटर बहुत कम है वहां पे आपने इंटरेक्शन किया वहां पे आपने इनपुट लिया कि अच्छा आपको ये प्रॉब्लम है फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे कि लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो हम स्कीम के इन कॉम्पोनेंट को इस तरह से लॉन्च करेंगे सो पीपल विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दैट अदरवाइज क्या होगा हर एक जनरल आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे उतना आउटपुट नहीं आएगा ये उसी तरह से है जैसे जो बच्चे हैं मान लीजिए क्लास में बच्चे हैं किसी बच्चे को आंसर राइटिंग में दिक्कत है ठीक है किसी की आंसर राइटिंग अच्छी है लेकिन उसको प्रॉब्लम्स में दिक्कत है तो वहाँ पे आप प्रॉब्लम्स स्पेसिफिक थोड़ा सा फोकस दोगे जिसको आंसर राइटिंग में है उसको आंसर राइटिंग से रिलेटेड इनपुट दोगे एक जनरल अप्रोच होगी तो फिर वो बच्चे दोनों ही अटक जाएंगे ठीक है अगर एक टारगेट स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्पेसिफिक केस स्पेसिफिक अप्रोच है तो वो दोनों ही बच्चे निकल जाएंगे समथिंग लाइक दिस तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे इनपुट है और इसको इन्होंने अलग से मैंशन किया एंड द थिंक इज दैट इन्होंने कहा प्रॉब्लम ये भी थी कि लोग uh, ये सोचते हैं अपने घर को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है बट पब्लिक स्पेसेस जो हैं वहां पे प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है तो यहां पे बात आ जाती है बिहेवियरल चेंज की तो इनके सामने क्या चैलेंज क्या था कि बिहेवियर कैसे चेंज किया जाए लोगों का है ना हाउ डू वी सपोज टू इनिशिएट दैट बिहेवियरल चेंज ये आपका बफर कर रहा है क्या इज इट बफरिंग नॉट एबल टू सी योर कमेंट्स ठीक है फाइन तो यहाँ पे इन्होंने क्या अप्रोच फॉलो किया एक और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इस आर्टिकल का फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया आप ग्राउंड रियलिटीज को जानिए स्टेक होल्डर्स जो हैं लोगों के पास जाके इनपुट लेना है ना कोई ग्राम पंचायत है वहां पे जो ग्राम पंचायत है उसकी मीटिंग लेके वहाँ पे लोगों से लेना आम लोगों से इंटरेक्शन करना ब्लॉक लेवल है तो ब्लॉक लेवल पे इनपुट्स हैं बाकी तो आपको ऑफिशियल चैनल फॉर्मल चैनल से तो मिल ही रहे हैं इनफॉर्मल चैनल भी क्रिएट करना उसका भी एक अपना इम्पोर्टेंस है लेकिन इन्होंने कहा कि वी वॉन्टेड मतलब अगर हमें सक्सेस लेनी थी वन थिंग फॉर श्योर कि हमें जन भागीदारी इंश्योर करनी पड़ेगी नाउ दिस जन भागीदारी वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जन भागीदारी का मतलब है पीपल्स पार्टिसिपेशन नाउ यू शुड डेफिनेटली नो दैट जन भागीदारी और द पीपल्स पार्टिसिपेशन इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी क्रिटिकल कॉम्पोनेंट ऑफ गुड गवर्नेंस सुशासन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है गुड गवर्नेंस की हम बात करते हैं हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं ठीक है रेस्पॉन्सिवनेस की बात करते हैं तो इस तरह से इस तरह से पीपल्स पार्टिसिपेशन एक ऐसा आपका वो है जिसको आप केस स्टडी में यूज कर सकते हैं जहां पे इंप्लीमेंटेशन करना है स्कीम का इंप्लीमेंटेशन को इंप्रूव करना है चेंज को बहुत जल्दी लाना है ठीक है तो लोग अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उससे अच्छा आपके लिए क्या होगा दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग है ना कोई ऐसा नहीं कि किताब में लिखा है इसलिए होगा ऐसा हो रहा है इसलिए हम बात कर रहे हैं ठीक है <coughs> तो यहां पे इन्होंने कहा कि हमने ये इंश्योर किया कि लोग है ना लोग क्लीन क्लीनलीनेस स्वच्छता की अंडरस्टैंड उसको उसके इंपॉर्टेंस को समझे ठीक है और जन भागीदारी एंश्योर हो पीपल्स पार्टिसिपेशन एंश्योर हो दैट वाज द मेन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द सक्सेस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान इन द मध्य प्रदेश अब आपने कह तो दिया लेकिन एंश्योर कैसे करोगे दिस इज द मेजर चैलेंज लोग यहां पे पार्टिसिपेट क्यों करेंगे अब यहां पे रोल आता है लीडरशिप का रोल आता है लीडरशिप का द दिंक इज दैट ये यहां पे कह रहे हैं कि हमने मल्टी अप्रोच यहां पे फॉलो किया है ना Uh, जन भागीदारी इन्श्योर करने के लिए मल्टीप्रॉन्ग्ड अप्रोच यहाँ पे फॉलो किया गया फॉर एग्जांपल हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स एन्श्योर किया उनका इम्प्लीमेंटेशन एन्श्योर किया जो ओपन डिफिकेशन कर रहे हैं नहीं मान रहे हैं, उनके लिए फाइन हमने लगाए ठीक है बिहेवियरल चेंज को एनकरेज किया गया विद द हेल्प ऑफ इनोवेशन ओके इनोवेशन इसके अंदर इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस भी है इनोवेशन मतलब बहुत कोई बहुत बड़ी इसमें वो नहीं है मान लीजिए आपने टॉयलेट बना दिए अब वहाँ पे सीनियर सिटीजन्स भी हैं तो आपने एक हुक लगा दिया ताकि वो आराम से बैठ जाएं खड़े हो जाएं समथिंग लाइक दिस है ना आ, आपके हाथ धोने के लिए दिक्कत होती है ठीक है ये इनोवेशनस की बात की जा रही है तो किस तरह से हो सकती है तो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं एक कलेक्टर थे ओके okay, uh, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है यू हैव दैट uh, सीहोर डिस्ट्रिक्ट सीहोर डिस्ट्रिक्ट में uh, वहाँ पर जो कलेक्टर थे उन्होंने एक uh, डिवाइस को टूल किया जिसमें क्या होता है एक टैंक रखा हुआ है पानी का और वहाँ पे आप पैडल पाँव से पैडल दबा रहे हैं तो वो पानी आ जा रहा है ना उसमें से तो वो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि आपको वहाँ पे हैंड्स को टच नहीं करना है फाइन तो इस तरह के और उसको नाम दिया इन्होंने टिपी टैप करके तो ये कह रहे हैं कि इस तरह के जो छोटे छोटे इनोवेशंस थे वो बहुत सक्सेसफुल रहे इसकी वजह से इनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्ट्रीम रहा तो अगेन इंपॉर्टेंस किसका आ जाता है इनोवेशन का प्रॉब्लम स्पेसिफिक सॉल्यूशंस का तो यहाँ पे इन्होंने कहा विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी इनिशिएटेड द बिहेवियरल चेंजेस है ना हमारे इम्पैक्ट जो है लॉन्ग लास्टिंग रहे ये हमने इन्श्योर किया और सबसे बड़ा एक और जो पॉइंट यहाँ से इस आ, आर्टिकल से आप लेंगे दैट इज़ कि हमने लीडरशिप uh, को यहाँ पे बहुत ही लीडर्स जो हैं उनको बहुत ही uh, अच्छे से यूटिलाइज किया अब लीडरशिप में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करोगे तो आप एज ए आई लगे हुए हैं ठीक है कलेक्टर हैं या फिर कहीं पे एसडीएम डी एम तो आप एज ए लीडर वहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं अगर हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो वहाँ पे जो भी सरपंच हैं या फिर ब्लॉक लेवल पे हैं प्रधान हैं तो ये जो पूरा आपका लीडरशिप का जो पूरा एपरेटस है वो जाके लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं ठीक है ना और लोकल लेवल पे पंचायत लेवल पे आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर जगह पे जो लीडर्स हैं वो एक क्लीनलीनेस को सैनिटेशन को प्रायोरिटी पर रख रहे हैं है ना तो धीरे धीरे वो क्या होगा वो नीचे भी जाएगा जो जिस तरह का बिहेवियर लीडर्स और ये शो करते हैं वो धीरे धीरे नीचे वाली जो पूरा है हैरारकी के कॉन्टेक्स्ट में कह लीजिए या अदरवाइज़ कह लीजिए लोग उसको थोड़ा फॉलो करते हैं ऑब्जर्व करते हैं अच्छा ये इस पर इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है तो हमें भी ऐसा करना है तो वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने देखी कि लीडर्स जो थे हमारे एंगेज रहे है ना सैनिटेशन को उन्होंने प्रायोरिटी दी लोगों से इंगेजमेंट रखा कम्युनिकेशन रखा कि देखो सैनिटेशन का इतना इंपॉर्टेंस है आपको इस तरह से करना है तो वो धीरे धीरे चीज़ लोगों के बिहेवियर में आती गई और बिहेवरल चेंज हमने शो किया ठीक है लोगों का एटीट्यूड चेंज होने लग गया सैनिटेशन के लिए अब वो आ, वाली बात नहीं थी कि हाँ चलते हैं तो आप देखोगे यू विल सी ए काइंड ऑफ ड्रेस्टिक इंप्रूवमेंट इन द सैनिटेशन स्टेटस फाइन चाहे हम रेलवे स्टेशन की बात करें या और जगह की पहले से काफी इंप्रूवड है डेफिनेटली हमें और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है बट दचुएशन इज द सिचुएशन इज हैज इम्प्रूवड अ लॉट तो ये सब कह रहे हैं एंड प्रोविजंस ऑफ इंटीग्रेटेड सैनिटेशन अप्रोच तो फाइनली ये कह रहे हैं कि हमने ये इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो किया और जिसकी वजह से हमें ये सक्सेस मिली और कि ग्रास रूट लेवल पे लोगों का बिहेवियर जो है चेंज किया जा सकता है और फाइनली हमने गांधी जी का जो विजन था जिसमें उन्होंने कहा दैट सैनिटेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन इंडिपेंडेंस गांधी जी का स्टेटमेंट है सैनिटेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन इंडिपेंडेंस तो हमने उसको वाकई में इम्प्लीमेंट करके दिखाया लोगों को बताया कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है और फाइनली आज मध्य प्रदेश इतना आगे है तो डेफिनेटली अगर डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे स्वच्छ भारत अभियान के रिगार्डिंग तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं और सबसे अच्छा जो इसका पार्ट है दैट इज दिस पेपर फोर एंड इंटरव्यू क्वेश्चन उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं इस तरह के आर्टिकल्स मूव करेंगे नेक्स्ट पे अर्बन मिशन टू गेट बिग आउटलेट्स अब ये एक न्यूज है और ये भी आपकी रिलेटेड ही है देखिए स्वच्छ भारत मिशन मिशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अब स्वच्छ भारत मिशन का जो फर्स्ट फेज था 2019 में पूरा होता है उसके बाद आपका स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लॉन्च किया जाता है 2.0 में क्या होगा जो भी आपने अचीवमेंट किया है क्या था आपका ओपन डिफिकेशन फ्री तो ओ डी एफ प्लस स्टेटस लेना मतलब जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं जो भी आपने बना दिए टॉयलेट वगैरह उनको मेंटेन करके रखना अदरवाइज क्या होता है बना दिया बन गया अब वो बिल्कुल मतलब उसमें सब आ, है ना जो टॉयलेट अगर बना है तो वहाँ पे वाटर फैसिलिटी के अलावा सारी चीज़ें हैं तो फिर उसका पर्पज़ नहीं है तो उन चीज़ों को मेनटेन रखना ओ प्लस स्टेटस को इंश्योर करना और एक और कॉम्पोनेंट आपका स्वच्छ भारत अभियान टू में एड कर दिया सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल सोलिड एंड लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल इन्होंने ऐड किया है तो ये जो न्यूज़ है ये किस बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं दिस न्यूज वी आर डिस्कसिंग हियर बिकॉज स्वच्छ भारत मिशन जो है अर्बन और जो अमृत मिशन है दैट इज अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनको इनके मॉडिफाइड वर्जन को रिवॉर्म्ड वर्जन को जैसे अपडेट होता है ना आपके फ़ोन में उस तरह से रिवॉम्ड वर्जन को आज आज प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पे अनाउंस करेंगे लॉन्च करेंगे उस कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज़ है स्वच्छ भारत मिशन का मैंने आपको बता दिया पूरा एडिटोरियल भी हमने डिस्कस किया है टू पॉइंट ओ कैसे अलग है ये दो पॉइंट याद रखिए ओडीएफ प्लस स्टेटस रखा जाएगा जो आपकी ऑलरेडी अचीवमेंट है स्वच्छ भारत मिशन वन के अंदर उसको आप क्या करोगे उसके ऊपर कैपिटलाइज करोगे उसको मेंटेन रखना और सॉलिड और लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल को इंश्योर करना और अमृत मिशन का एक बार बता देता हूँ फिर वापस से हम इस न्यूज पे आएंगे अमृत मिशन क्या है यू हैव अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ये जो मिशन है 2015 में लॉन्च किया गया और इस कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की तरफ से क्या बात की जा रही है जो आपके टाउन्स हैं ना स्पेशली यू हैव ऑल दिस टाउन्स तो वहाँ पे आपकी क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं वाटर एंड सीवरेज कनेक्शंस वहाँ पर दिए जाएँ एवरी हाउस होल्ड को ये प्रायोरिटी है इंक्रीज द एम्यूनिटी वैल्यू ऑफ सिटीज बाई डेवलपिंग द ग्रीनरीज है ना ग्रीनरी वहाँ पे डेवलप किया जाए ओपन स्पेस रखा जाए ताकि लोगों को थोड़ी सांस लेने की भी जगह मिले पॉल्यूशन लेवल कम हो है ना उसकी एस्थेटिक्स बढ़ सके ये आप कह सकते हैं पॉल्यूशन लेवल को रिड्यूस करना बाई स्विचिंग टू द पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी ठीक है तो ये मेजर मेजर ऑब्जेक्टिव है अमृत मिशन के थ्रू और 2015 में इसको लॉन्च यहाँ पे किया गया तो अमृत मिशन जो है 500 सिटीज़ को कवर कर रहा है ये जो अमृत मिशन है ये 500 सिटीज़ को कवर कर रहा है एंड गवर्नमेंट इन दोनों मिशन को स्वच्छ भारत मिशन अर्बन को और अमृत मिशन दोनों को रिवॉर्म करना चाह रही है क्या चेंजेस यहाँ पे लाने की कोशिश की जा रही है देख लेते हैं एक बार एम एट सेचुरेशन सेचुरेशन मतलब आपने जो भी अचीव किया है फर्स्ट में अब ये टू पॉइंट और वर्जन आ गया ना तो फर्स्ट वाला जो था वहाँ पे जो भी आपके अचीवमेंट है उसी के ऊपर कैपिटलाइज़ करना है ना मतलब उसी की क्वालिटी आप इंक्रीज़ कर रहे हैं सेचुरेशन वाइल द फर्स्ट फाइव ईयर जो स्कीम uh, का पीरियड था दैट वॉज फोकस्ड ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस पीरियड नेक्स्ट पीरियड विल फोकस ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड ऑल यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कह रही है जैसे कि अगर हम बात करें स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन किया गया टॉयलेट्स का मेकिंग सिटीज ओपन डिफिकेशन फ्री स्वच्छ भारत मिशन टू वुड एम मेक द फैसिलिटीज़ बेटर रिक्लेम ऑल लैंड फील्स टेक प्रोसेसिंग टू द म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट टू हंड्रेड परसेंट जो कि अभी आपका सेवेंटी परसेंट है तो जो भी मुंसिपल वेस्ट है अर्बन एरिया में वो पूरा का पूरा हंड्रेड परसेंट आपका वहाँ पर जाना चाहिए प्रोसेसिंग के लिए जाना चाहिए अमरा टू में क्या किया जाएगा वुड एम टू प्रोवाइड यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन अर्बन भी लॉन्च किया हुआ है तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है डिवॉम्प का क्या मतलब है कन्वर्जेंस किया जाएगा जो स्कीम्स हैं उनके थ्रू वाटर सप्लाई हो गया टू ऑल द फोर थाउजेंड प्लस स्टेट्यूटरी टाउन्स एंड इंक्रीज फ्रॉम द गोल ऑफ कवरिंग फाइव हंड्रेड सिटीज़ तो अमृत मिशन जैसा हमने बात किया पहले पाँच सौ सिटी तक ही बात कर रहा था तो इन्होंने क्या किया जितने भी स्टेट्यूटरी टाउन टाउन्स है ना जो भी अर्बन एरियाज हैं सेंसस के अकॉर्डिंग उनको आप सबको इंक्लूड करोगे वाटर सप्लाई के अंदर तो ये गोल आपने क्या कर दिया वाइड कर दिया कवरेज अपना बढ़ा लिया तो डेफिनेटली इसके लिए ये क्या करेंगे कोलाब्रेशन कर रहे हैं जल शक्ति मिनिस्ट्री से जल जीवन मिशन का इंप्लीमेंटेशन रहेगा और काफ़ी सारे ऐसे विलेजेस होते हैं जो अर्बन एरिया के बाहर हैं मतलब कोई टाउन है उसके बाहर जो विलेजेस हैं उनको ये कवर कर रहे हैं उन सारे एरियाज़ को ये कवर कर रहे हैं ऑल द एरियाज़ विच हैव अर्बन एंड रूरल फीचर्स दिस मच यू शुड नो अब कितना कितना लाख करोड़ दिया गया है उसको रटने की जरूरत नहीं है बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि क्या यहाँ पर ये करना चाह रहे हैं तो आज प्राइम मिनिस्टर इसको अनाउंस करेंगे कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी रहेगी तो आज जो आप नोट कर रहे हो थोड़ी जगह रखना टुमारो और डे आफ्टर टुमारो वील बी कवरिंग दिस न्यूज अगेन वापस से ये न्यूज रहेगी क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर इसको ये करेंगे लॉन्च करेंगे चलिए इंटरनेशनल रिलेशन पे आते हैं दो मेजर न्यूज हमारे पास हैं इंटरनेशनल रिलेशन के रिगार्डिंग हैंडलिंग द चाइना बाइलेटरल इशू ये एक स्टेटमेंट है मतलब इंडिया का स्टैंड पॉइंट है ये जानने के लिए हमने इसको न्यूज़ लिया है है ना जहाँ तक इंडिया चाइना बाइलेटरल रिलेशन की बात है अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है कई बार हमने इसको डिस्कस भी किया है कि किस तरह से हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट हैं है ना क्या पूरा इशू है अब यहाँ पर एक चीज़ ये रहती है कि इंडिया के ऊपर चाइना की तरफ से ये एलिगेशन लगाया जाता है ठीक है कि इंडिया अपनी जो फ़ॉरन पॉलिसी फॉलो कर रहा है फॉरन पॉलिसी जो फॉलो कर रहा है उसके अंदर चाइना से जो वो डील कर रहा है वो यूएस के कहने पर उस तरह से डील हो रहा है इट मीनस दैट इंडिया इज़ नॉट फॉलोइंग इट्स फॉरन पॉलिसी इंडिपेंडेंटली है ना इंडिया की जो ऑटोनॉमी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है बिकॉज ऑफ क्वाड एंड ऑल सो दिस इज बेसिकली द चाइनीज़ प्रोपोगंडा ऐसा कुछ नहीं है इंडिया इज़ टोटली इंडिपेंडेंट और हमारी जो ऑटोनॉमी है इंटेक्ट है है ना हम अपने जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहे हैं तो यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा है एज़ फार एज़ डीलिंग विद द चाइनाज इशू चाइना का जो राइज है चाइना जिस तरह से इन, अपना राइज़ कर रहा है चाहे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जियो पोलिटिकल में देखें चाइना एक बहुत बड़ी पावर है तो यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं मतलब इंडिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट हो गया इसलिए इस न्यूज़ को लिया है कि चाइना का जो राइज है उसको डील करना ये हमारा बाइलेटरल मैटर है ठीक है ना इसके अंदर ऐसा नहीं है कि हम यूएस है उसकी भी हेल्प लेंगे हमारे बायलेटरल इश्यूज को सॉल्व करने में एज़ फर एल एज बाइलेटरल इशूज़ आर कंसर्न जिसके अंदर बॉर्डर डिस्प्यूट एक सबसे बड़ा है चाहे इकोनॉमिक इशूज़ हो चाहे आपके बॉर्डर सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज़ हों ये जो आपके इशूज़ हैं उनको बाइलेटरली ही डील किया जाएगा मतलब इंडिया और चाइना आपस में ही डील करेंगे यहाँ पर यू एस ऑस्ट्रेलिया जापान किसी का कोई लेना देना नहीं है तो जो चाइनीज प्रोपोगंड है उसको यहाँ पर इन्होंने स्टॉप किया है और इन्होंने कहा कि जो भी असेंट है चाइना का जो राइज है उसको हम बाइलेटरली डील कर रहे हैं हमारे रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट हैं है ना और काफ़ी सारी हमारे पास बाइलेटरल चॉइसेस हैं जिनके थ्रू हम हमारे इश्यूज़ को डील कर सकते हैं जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट है अगर आज आज भी आप न्यूज़ देखोगे बॉर्डर डिस्प्यूट पे तो आ, ये स्टेटमेंट आया कि ये जो चाइना की तरफ से जो इंकर्जन हो रहा है ना कभी कहाँ घुस गया कभी कहाँ कुछ हो रहा है तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक कोई कॉन्क्रीट पैक्ट साइन नहीं हो जाता है है ना क्योंकि आपकी जो चाइना और इंडिया के बीच में जो डिफेक्टो इंटरनेशनल बॉर्डर है एट प्रजेंट उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एल अब एल कोई डिमार्केटेड नहीं है जैसे अगर आप वेस्टर्न साइड पे जाते हैं राजस्थान पंजाब वाला रीजन वहाँ तो बिल्कुल मार्क किया हुआ है आपने ये फेंसिंग की हुई है कि ये बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर लेकिन उस तरफ ऐसा नहीं है क्लियर तो uh, कुछ एरिया है जो कि एम uh, है जिसका स्टेटस चाइना समझता है हमारी तरफ है तो इंडिया का व्यू पॉइंट ये है ये हमारी तरफ है तो वो पूरा चलता रहता है तो विल हैव टू डील ऑल दीज इश्यूज विद द हेल्प ऑफ दिस बाइलेटरल निगोशिएशन वो सब टेबल पे बैठ के अगर आप निगोशिएशन के थ्रू कर सकते हैं दैट्स ग्रेट इंडिया चाइना इज़ डूइंग दैट एंड uh, इसके अलावा इन्होंने क्वाड मेंबर के लिए कहा और क्वाड को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये भी रहा है दैट चाहे क्वाड मेंबर्स हो या फ्रांस uh, हो इंडोनेशिया हो या जो भी हैं इनके अपने यूनिक प्रॉब्लम्स हैं अपॉर्चुनिटीज हैं तो वो अपने अपने इशू को अपने अपने लेवल पर डील करेंगे कहने का मतलब है क्वाड आपने बना लिया क्वाड क्या है इंडिया यूएसए ऑस्ट्रेलिया और जापान इन चार कंट्रीज़ का ये इस तरह से जो है पार्टनरशिप है जहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम इंडो पैसिफिक रीजन को पीसफुल रखना चाहते हैं सिक्योर रखना चाहते हैं ऐसा नहीं हो कि किसी एक कंट्री की जहाँ मतलब चाइना का चाइना की तरफ रेफरेंस है एक कंट्री की यहाँ पर कोई दादागिरी टाइप चले ओके वी वॉन्ट टू इन्श्योर द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन दिस इज़ द ओवरऑल पर्पज दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ मिलिट्री कोलिशन है ना मिलिट्री बेस्ड कोलिशन नहीं है लाइक ऑकस ऑकस आपकी जो पार्टनरशिप है वो मिलिट्री बेस्ड है तो यहाँ पे इन्होंने एक मेंशन किया कि जो आपके क्वाड हमने बना तो लिया लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि यूएस ऑस्ट्रेलिया जापान और इंडिया इन सब के जो चाइना से इशू चल रहे हैं उसको ये क्वाड के माध्यम से हेल्प करेंगे दिस इज नॉट द मीनिंग है ना दिस इज़ नॉट इवन द पर्पज ऑफ द क्वाड जो भी देश है उनके जो भी इशू किसी से भी चल रहा है तो वो उसको अपने लेवल पर हैंडल करो क्वाड का पर्पज़ ये नहीं है कि आप है ना किसी के अगेंस्ट में वो कर रहे हैं कि हमने पार्टी बना ली अब तुम आओ बताते हैं ना स्कूल में होता है ना कि आप अकेले नहीं लड़ सकते फिर आप चार दोस्त को ले कि अब अब आ तो है ना समथिंग लाइक दिस तो दिस इज द मैसेज यहाँ पे ये देना चाह रहे हैं और क्वाड को बेसिकली जो ये प्रोपोगेंडा है उससे हटाने की कोशिश की जा रही है इसलिए काफ़ी इसको इसकी मेम्बरशिप को बढ़ाना इसके जो ऑब्जेक्टिव है उसको डाइवर्सिफिकेशन करने की तरफ मूव इन्होंने किया है सेकेंड इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया इंपॉर्टेंट कि चाइना जब ये कहता है कि आपको ये पार्टनरशिप नहीं करनी है वो नहीं करनी है तो बेसिकली द फॉरन मिनिस्टर इज सेंग कि इंडिया जो है अपने डिसीजन लेने में खुद सक्षम है दिस इज़ आर फंडामेंटल राइट टू कॉपरेट विद द पार्टनर है ना किस पार्टनर के साथ हमें कॉप्रेट करना है नहीं करना है ये हमारा फंडामेंटल राइट right है तो ये हमें हमारे पास रहने दीजिए ये जो आपके पार्टनर्स हैं स्पेशली यू हैव यू एस जापान ये आपके नेचुरल पार्टनर की तरह हैं क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम है आप देखोगे अगर ऑस्ट्रेलिया है जापान है यू एस है डेमोक्रेसीज हैं है ना इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है तो एक नेचुरल पार्टनरशिप आपकी बनती हुई दिखती है फिर काफी सारे इंटरेस्ट आपके कन्वर्स कर रहे हैं इंडो पैसिफिक में ये सबके इंटरेस्ट यहां पे है ठीक है चाइना की वजह से सबको प्रॉब्लम हो रही है तो दिस इज द ओवरऑल थिंक एक इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है ऑप्टिमिस्टिक न्यूज यहां पे है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया ठीक है टू कंक्लूड द फ्री ट्रेड पैक्ट मतलब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है हम अगले साल तक फाइनलाइज कर सकते हैं क्या इसके मायने देखिए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब है मान लीजिए इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया यू हैव दिस इंडिया ये आपका ऑस्ट्रेलिया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ट्रेड हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे जो व्यापार हो रहा है ना गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है सर्विसेज हैं इन्वेस्टमेंट फ्लोज हैं तो इसके रिगार्डिंग क्या होगा अभी काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं जैसे आपने ट्रेड बैरियर्स हैं टैक्सेस ज़्यादा होंगे इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह नॉन ट्रेड बैरियर्स होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं जिसमें क्या होगा कोटा फिक्स कर दिया कि इस कमोडिटी का इतने से ज़्यादा आप नहीं बेच सकते हम नहीं ले सकते तो ये बहुत रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं जिसकी वजह से आपका जो ट्रेड है बाइलेटरल ट्रेड वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाता तो आज के टाइम पर अगर आप देखेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपका अगर साइन होता है तो ये रेस्ट्रिक्शन जो है ये डायल्यूट हो जाते हैं बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाते हैं जिससे क्या होगा आपके बीच में जो ट्रेड है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है दिस इज द ओवरऑल पर्पस ही फाइन तो अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो बायोलिटरल ट्रेड है दैट इज अराउंड ट्वेंटी सिक्स बिलियन डॉलर ट्वेंटी सिक्स बिलियन डॉलर है और यहां पे ये कहा जा रहा है कि अगले साल जब हम इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज कर देंगे तो डेफिनेटली वी आर आई मीन एक्सपेक्टिंग कि ये जो है आपका डबल हो जाएगा क्योंकि आपने देखा होगा सबसे पहले हमने श्रीलंका से साइन किया था uh, 98 के अराउंड किया था आई थिंक श्रीलंका से जब हमारा बाइलेटरल ट्रेड ये आ, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो आप देखोगे ये जो ग्राफ ऐसा 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 चल रहा था एकदम से ऊपर जाता है ठीक है हालांकि फिर फ्लक्चुएट करता है लेकिन ये एकदम से इंक्रीज देखने को मिलता है तो वन थिंग इज़ फॉर श्योर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से आपका बाइलेटरल जो ट्रेड है वो तो बढ़ेगा अब किसे फ़ायदा होता है किसे नुकसान होता है वो देखने वाली बात है क्योंकि तो अगर आप देखोगे जैसे साउथ कोरिया है जापान है तो इस केस में इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बड़ा है मतलब हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट उतना नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके पीछे रीजन्स काफ़ी सारे हैं कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो एक्सपोर्ट करने के लिए उस कॉम्पिटिटिवनेस को ठीक है मैच नहीं कर पा रही है उसका बेनिफिट नहीं ले पा रही है तो कब तक हम जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दूर रहेंगे कभी ना कभी तो आपको कॉम्पिट करना पड़ेगा ना बिकॉज दिस इज़ द वे पूरा वर्ल्ड इसी तरफ मूव कर रहा है अगर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं करते हैं तो पीछे रह जाएगा इंडिया अगर आप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के अंदर नहीं है तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है क्यों क्योंकि अगर जैसे ऑस्ट्रेलिया है एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया है दैट हैज बिकम द पार्ट ऑफ आर रीजनल कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ये है ना ये रीजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसके अंदर पंद्रह देश हैं इंडिया भी इसको साइन करने वाला था लेकिन इंडिया ने चाइना का कुछ रीजन था है ना कुछ इंडिया के कंसर्न थे प्रोडक्ट के ओरिजिन को लेके उस वजह से नहीं कर पाए तो अभी ऑस्ट्रेलिया इज अ पार्टी ऑफ आरसी मतलब जो दस आसियान देश हैं जिसमें आपके यू हैव दैट मलेशिया सिंगापुर एंड ऑल तो आसियान कंट्रीज हैं सारे के सारे वो हो गए और पांच देश हो रहे पंद्रह देशों का ये पूरा फ्री ट्रेड आपका पार्टनरशिप है जिसके अंदर आपके uh, जो पांच देश हैं उसमें यू हैव जापान साउथ कोरिया चाइना ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड तो ये सारे देश क्या हैं ये अपने बीच में जो आपके ट्रेड बैरियर्स हैं उसको कम करेंगे ठीक है तो मान लीजिए वियतनाम है वो ऑस्ट्रेलिया में कोई चीज़ भेज रहा है तो उसको ये कम टैरिफ का बेनिफिट मिलेगा जबकि इंडिया को नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली इंडिया को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए जाना होगा मान लिया कि यहाँ पे आर में आप चाइना का एक कंसर्न था उस वजह से आपने एंट्री नहीं की इंडिया ने कहा वैसे ही हमारे यहाँ पे कुछ भी लो चाइना का ही मिलता है अगर हमने ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दिया तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा है ना और फिर हमारे डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तो कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि चाइनीज माल ही बिकता रहेगा ठीक है।, है तो वो एक अपनी जगह है ये आर सी पी मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कम से कम हमने इस पर पाँच छह एडिटोरियल डिस्कस करें हैं दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस ईयर मीनस एज वेल आर सी पी पे डेडिकेटेड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है एंड वी आर नॉट गोइंग इन टू आर सी पी मतलब मैंने समझा दिया इसका एनालिसिस वी हैव ऑलरेडी डन दैट एनालिसिस पार्ट फाइन चलिए तो इसलिए इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर साइन करें इसलिए आप देखोगे इंडिया बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा है बहुत ज्यादा एक्टिव है कि वो यूके से भी साइन कर दे यूनाइटेड किंगडम से है ना यूरोपियन यूनियन से हम साइन करने का प्रयास कर रहे हैं यूएसए से हम साइन करने का प्रयास कर रहे हैं अभी पिछले कुछ दिनों से आप देखोगे ये न्यूज आ रही है बार बार है ना फ्री ट्रेड के लिए प्राइम मिनिस्टर यूएस जाते हैं तो वहां पर वो मैंशन करते हैं कि हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप यूएस इंडिया बायोलिटरल रिलेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है तो वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं बिकॉज यू एस अभी नहीं चाह रहा है आपकी जो टॉक्स हैं ट्रेड टॉक्स वो वापस से डिसरप्ट हो गई हैं तो हम ये चाह रहे हैं कि जितने भी ये हमारा जो डिसएडवांटेज था आर को नहीं ज्वाइन करने का वो हम कवर कर रहे हैं और फटाफट से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को साइन किया जाए दिस इज़ द थिंग अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हमारे पास में पॉजिटिव नेगेटिव है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टेटमेंट आया कि दोनों कंप्लीमेंट्रीज़ हैं मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया को फ़ायदा नहीं होगा है ना अगर हमारी तरफ से ये मरीनो वूल आ रही है इंडिया में तो इंडिया की तरफ से भी जो पश्मीना है वो ऑस्ट्रेलिया जा सकती है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेके हो सकता है कुछ वापस से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेके इंडिया ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं क्योंकि हमारे फार्मर्स का इंटरेस्ट यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया जाता है इन प्रोडक्ट्स पर डेयरी प्रोडक्ट्स पर एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट पर हमारे को इंडियन मार्केट का एक्सेस दिया जाए तो हो सकता है ये एक इशू है जिस जो थोड़ा चैलेंजिंग होगा इन फाइनलाइजिंग दैट ट्रेड पैक्ट लेकिन ट्रेड पैक फाइनलाइज करने से पहले आप एक इंटरिम एग्रीमेंट साइन कर रहे हो है ना जिससे कि आपको पता चले कि किस तरह से हमें आगे जाना है नहीं जाना है दैट्स फाइन एज वेल और ये जो ट्रेड है ये कवर करेगा डेफिनेटली गुड्स इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, ये तीनों चीज़ें कवर की जाएंगी दैट्स फाइन एंड डिस्कसिंग गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एनर्जी रिसोर्सेज लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट दिस इज ऑल तो ये जो न्यूज है यहां से हमने देखा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने का रीजन क्या है इंडिया का क्यों इंडिया ऑस्ट्रेलिया से यूके से यूरोपियन यूनियन यूएसए से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए आगे जा रहा है आर सी पी इज डेफिनेटली वन ऑफ द फैक्टर आगे मूव करेंगे मेक श्योर दैट यू आर कनेक्टेड विथ मी ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप जहां पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हैं है ना पी डी एफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम आगे मूव करेंगे देखिए आपका जो जी एस पेपर थ्री है जिसमें इंडियन इकनॉमी भी है और आपका सोशल मीडिया भी एक टॉपिक है आपने देखा होगा सोशल मीडिया भी एक टॉपिक है सोशल मीडिया वाला जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आपका ये न्यूज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बट दिस न्यूज़ इज ऑल अबाउट इंस्टाग्राम ये थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में बता दूँ इंस्टाग्राम में क्या है इंस्टाग्राम तेरह साल से ऊपर के बच्चे यूज़ कर सकते हैं ना ये उसमें लिमिट दिया हुआ है कि तेरह साल से ऊपर के बच्चे यूज कर सकते हैं तेरह साल से कम वाले बच्चे नहीं कर सकते तो इंस्टाग्राम ने क्या किया अपना एक इंस्टाग्राम किड्स इंस्टाग्राम किड्स करके ये ऐप लाना चाह रहे थे जिसमें क्या होगा तेरह साल से कम के बच्चे भी यूज कर पाएंगे तो बेसिकली दे वर टारगेटिंग टेन टू ट्वेल्व ईयर ये जो ग्रुप है इसको टारगेट कर रहे हैं अब यहाँ पे वॉल स्ट्रीट जनरल की एक रिपोर्ट आती है और जिसकी वजह से ये पूरा जो प्लान है ये होल्ड पे चला जाता है इंस्टाग्राम इज़ अंडर अटैक फॉर कॉजिंग निगेटिव इम्पैक्ट ऑन गर्ल्स अब ये क्या पूरा इशू है किस तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है गर्ल्स पे? या जो टीन एजर्स हैं उनके ऊपर विद द यूज़ ऑफ़ दिस इंस्टाग्राम तो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बता रहा है, है ना सोशल मीडिया का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट है स्पेशली बच्चों पर क्या इम्पैक्ट है तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है जी एस पेपर फोर में भी इसका इनपुट रहेगा और यहाँ पर हम सोशल मीडिया के कॉन्टेक्ट्स में इस पूरे इशू को डिस्कस कर रहे हैं देखिए फेसबुक ने अपना जो प्लान है इंस्टाग्राम किड्स को लॉन्च करने का कि फेसबुक इज़ द ओके ऑनर कंपनी हियर तो उसको उन्होंने होल्ड पे डाल दिया है और यहाँ पे ये है जो रिपोर्ट यहाँ पे आई है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि इसकी वजह से किड्स वाला जो ये है इसकी वजह से जो टीन एज गर्ल्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ है ना निगेटिवली इम्पैक्ट हो सकती है किस तरह से निगेटिवली इम्पैक्ट हो सकती है ये हम देखते हैं द थिंग इज़ दैट यहाँ पे जो रिपोर्ट इन्होंने दिया वो ये कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम वॉज इम्पैक्टिंग तीन ऑडियंस नगेटिवली ये जो वाल स्ट्रीट जनरल जो है यू एस बेस्ड आपका एक पब्लिकेशन हाउस है तो उसने कहा कि हमने फेसबुक की ही इंटरनल रिपोर्ट को एक्सेस किया है हालांकि ये रिपोर्ट अभी पब्लिक नहीं हुई है फेसबुक की तरफ से लेकिन ये कह रहे हैं कि फेसबुक की जो इंटरनल रिपोर्ट है उसमें ये मेंशन किया गया दैट इंस्टाग्राम वॉज इम्पैक्टिंग द टीन ऑडियंस निगेटिवली तीन जो ऑडियंस हैं टीनजर्स हैं उनको निगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है किस कॉन्टेक्स में इंस्टाग्राम मेड द बॉडी इमेज इशू वर्स अब देखिए टीन एजर्स के अंदर क्या होता है अपनी बॉडी को लेकर जो सेंसिटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है पीक पे है ना एक कॉलेज तक भी थोड़ा सा बच्चों में रहता है कॉलेज के बाद वो कुछ नहीं रहता कि हम कैसे लग रहे हैं कुछ बच्चों में ऐसा रहता है कि मेरा कलर फेयर है नहीं है ठीक है मेरी फिजिक अच्छी है नहीं है तो वो जो भी बॉडी को लेके जो एंगजाइटीज़ हैं आपके अंदर उसको ये एग्रावेट कर रहा है नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है और बढ़ा रहा है आप कंपैरिजन कर रहे हो ठीक है अपने आप का तो उस वजह से क्या हो रहा है बॉडी इमेज जो इश्यूज हैं उसको और बुरा बना रहा है एंड इन एवरी थर्ड टीन एज गर्ल्स सर्वेड मतलब हर थर्ड uh, जो गर्ल है उसके अंदर ये बॉडी इमेज इशू को और बुरा बना रहा है अनदर सैड दैट ब्लेम्ड द एप फॉर इंक्रीजिंग द एंगजटी एंड डिप्रेशन अक्रॉस द ग्रुप थर्टीन परसेंट ऑफ दोज इंडिविजुअल्स इन द ब्रिटिश है ना जो यूज कर रहे हैं उनके अंदर ये सुसाइडल थाट्स को भी इंक्रीज करता हुआ पाया गया है तो अगर आपके मेंटल हेल्थ पे इतना बड़ा चैलेंज क्रिएट कर रहा है एक्सक्यूज मी ये इस रिपोर्ट में मैंशन किया इसलिए इसको होल्ड पर डाल दिया गया है. यूजिंग द ऐप मेड देयर बॉडी इमेज इशू वर्स एंड इन सम केसेज लेट टू द ईटिंग डिसऑर्डर्स एज वेल फाइन ये प्रॉब्लम्स आपकी क्रिएट हो रही हैं इसलिए इसको अभी इसने होल्ड पर डाला है सेकेंड जो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करें वाई द इंस्टाग्राम स्टॉपिंग द किड्स ऐप किड्स ऐप को ये क्यों स्टॉप कर रहा है तो रीजनस यहाँ पर जो दिए गए हालाँकि इसको लाने का रीज़न भी मैं बता देता हूँ लाने का रीजन क्या था आप कहोगे सर लाने का रीज़न ज़रूरत ही क्यों है है ना क्यों लॉन्च कर रहे हैं रीज़न इसलिए यह इंस्टाग्राम ये कहता है कि जो बच्चे तेरह साल से कम वाले हैं वो भी वाकई में इंस्टाग्राम को ऑफिशियली यूज़ कर रहे हैं अपनी एज को तेरह साल से ज़्यादा बता के मतलब मान लीजिए ग्यारह साल का कोई बच्चा है वो तेरह थर्टीन प्लस बता के अपना हो गया और इंस्टाग्राम पे फुली एक्टिव है तो बच्चे वैसे भी यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर ये कह रहे थे कि हम ये जो इंस्टाग्राम किड्स हैं ये लाना चाह रहे हैं और यहाँ पर पे हम पेरेंटल कंट्रोल से इन्श्योर करेंगे ताकि जो पेरेंट्स हैं उनकी वॉच में बच्चे रहें इंस्टाग्राम को यूज़ भी कर लें और वो चीज़ ना रहे है ना जहाँ पर आप छुप छुप के यूज़ कर रहे हैं दैट वॉज द बेसिक ऑब्जेक्टिव लेकिन यहाँ पे ये जब इश्यूज हाईलाइट किए गए मेंटल हेल्थ को लेके बॉडी इमेज को लेके इसकी वजह से आपका पूरा इशू क्रिएट हुआ है दिस इज थिंग वन मोर क्वेश्चन कैन बी आस्क कि यहाँ पे क्या सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी न किसी तरह से मेंटल स्ट्रेस क्रिएट नहीं कर रहे हैं इंस्टाग्राम थोड़ा सा ज़्यादा एक इंटेंस लेवल पे चला जाता है क्योंकि वो वहाँ पे आपको अपनी पिक्चर को डिफाइन करना है ठीक है ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स आप फ़िल्टर यूज़ कर रहे हो एनहांसिंग द स्किन टोन लाइटन द आइज़ डोमिनेंस ऑफ इन्फ्लुएंस एट्सट्रा एट्सट्रा है ना तो ये सब चीज़ें कैप्चरिंग द बेस्ट मोमेंट ये जो एंगजाइटी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हालांकि सब सोशल मीडिया के साथ में कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं हमारी लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हुई है हमारे सोचने का तरीका एटीट्यूड चीज़ों का परसेप्शन ठीक है ये सब चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हो रही है सोशल मीडिया से लेकिन इंस्टाग्राम के केस में ये बहुत ज़्यादा इंटेंस है एंड डेफिनेटली द टीनेजर्स आर स्ट्रगलिंग विद द सेल्फ वर्थ इशूज है ना कि आप जैसे लग रहे हो आप अभी आप, आप, तो समझने लग गए ठीक है ना अभी मेचोरिटी है आप लोगों में डेफिनेटली ठीक है लेकिन जो टीनेजर्स हैं वहाँ पे उनके अंदर वो एक मेचोरिटी का लेवल धीरे धीरे डेवलप होता है सो दे बिकम वेरी ऑब्सेस्ड विद देयर बॉडी इमेज है ना और फिर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है माइंड में ऑप्स्टेकल क्रिएट हो जाते हैं तो वो फालतू में आपके जो प्रोडक्टिव ईयर्स हैं जो अच्छे से जाने चाहिए वो ये सब इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं एंड दिस इज़ अ स्टेटमेंट फ्रॉम वॉल स्ट्रीट जनरल विच सेज़ दैट इंस्टाग्राम इज़ लाइक ए ड्रग इट नीड्स टू बी स्टडीड ये एक ड्रग की तरह है अगर आपने इसकी प्रॉपर डोज दी दैट्स फाइन अदरवाइज ओवर डोज हो रही है तो उसके अपने ये सब कॉन्सिक्वेंसेज हैं एक और प्रॉब्लम यहाँ पर आई कि जहाँ पर इस तरह के जो पैडलर्स हैं है ना यू हैव सम एपिटामिन ड्रग इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कह रहे हैं कि आप एपिटामिन को यूज़ कीजिए जिससे आपका वेट बढ़ेगा है ना आप बेटर कर्विंग बॉडी ले सकते हैं तो ये एपिटामीस को ये आसानी से बेचा जा रहा है जिसकी वजह से लीवर फेलियर जैसे इंस्टांसेस हो रहे हैं तो इसको रोकना ये भी एक कंसर्न बताया गया है यूके की जो नेशनल हेल्थ सर्विस है तो ये सारे इशूज़ हैं सोशल मीडिया एक टॉपिक है सोशल मीडिया से एक एटलीस्ट दो क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं कई बार ज़्यादा भी रहता है बट यू विल फाइंड द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सोशल मीडिया तो ये एक उभरते हुए टॉपिक है करंट अफेयर में जिसको आपको ध्यान रखना है पेपर फोर में भी इसका ध्यान रखेंगे है ना इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं तो कैन डेफिनेटली मैंशन ऑल दिस थिंग्स नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं हम जी एस पेपर थ्री दैट इज द इकोनॉमी पार्ट इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड ये आपकी न्यूज़ है इंडियन इकनॉमी से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है और देखिए जो सोशल मीडिया पे हमने चैलेंजेस डिस्कस किए हैं ना ये आने वाले टाइम में और ज़्यादा एग्रावेट होंगे और बढ़ेंगे और चैलेंजिंग होंगे क्यों क्योंकि हम डिजिटल स्पेस का यूज़ ज़्यादा करते जा रहे हैं ज़्यादा करते जा रहे हैं बढ़ता जा रहा है तो क्या इसके लिए कोई एक ऐसा सॉल्यूशन uh, है जो सस्टेनेबल सॉल्यूशन हो जो इस तरह की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए डील करके रखे क्योंकि अगर आप हमेशा डिजिटल स्पेस में ही रहोगे तो आपकी हेल्थ के लिए फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ हर हर कुछ कॉम्प्रोमाइज आ रही है आपकी सोशल लाइफ है वो सब चीज़ें क्योंकि बैलेंस की ज़रूरत है डिजिटल स्पेस भी आप यूज़ कर रहे हो देर शुड बी अ बैलेंस है ना इसे आप देख सकते हैं नेक्स्ट न्यूज़ है दिस इज फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी करंट अकाउंट जो सरप्लस है इंडिया का दैट स्लाइज टू 6.5 बिलियन ठीक है तो यहाँ पे ये आंकड़े दिए गए हैं जैसे कि ये कह रहे हैं कि हमारा जो करंट अकाउंट सरप्लस था पिछला जो क्वार्टर था उसके कंपैरिजन में इस बार जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है इस बार हमारा सिक्स बिलियन है uh, लास्ट टाइम अगर हम देखें क्वार्टर वन के अंदर दैट वाज नाइनटीन बिलियन तो ये करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब क्या होता है करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या होता है और क्यों ये सरप्लस हो रहा है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था दैट वाज द फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी ये जो कोरोना काल था आपका पूरा इस टाइम पर इंडिया का जो करंट अकाउंट था वो सरप्लस रहा था करंट अकाउंट सरप्लस रहा था और ये सत्रह साल में पहली बार था ओके से इन द लास्ट सेवनटीन ईयर्स इंडिया गॉट दिस करंट अकाउंट सरप्लस सो दिस इज अ काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इकोनॉमिक सर्वे से भी आप ले सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है तो यहाँ पे जो यूपीएससी क्वेश्चन जिस तरह से हमेशा पूछती रही है ये फैक्ट पे तो ये ट्रेंड पूछ सकता है ना जैसे सत्रह साल में पहली बार रहा तो ये पूछ सकता है क्या लास्ट ईयर आपका ये रहा सरप्लस रहा डेफिसिट रहा बाकी जो फैक्ट है वो यू जनरली नहीं पूछती एट बिलियन डॉलर है सिक्स बिलियन डॉलर है लेकिन हाँ आपको ये पूछती है कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है है ना इसका क्या मतलब है या फिर करंट अकाउंट के अंदर कौन कौन से कंटेंट आपके आते हैं कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है बीओपी जो है ये क्या होता है इस तरह की चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं तो आपको ध्यान रखना है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरह का रजिस्टर है जहाँ पर इंडिया के जो भी ट्रांजेक्शन है जो भी लेन देन है किसी भी चीज़ के अंदर चाहे वो आपका कोई भी फिजिकल कमोडिटीज हैं, है ना आ, जैसे आपके हो गए गुड्स टेक्सटाइल हो गया जो फिजिकल टेंजिबल गुड्स हैं कोई फर्नीचर है टेक्सटाइल है लैपटॉप मोबाइल जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया मेडिसन हो गई ये सब तो ये हैं गुड्स ट्रेड इन गुड्स ट्रेड इन सर्विसेज सर्विसेज में क्या है यू हैव एजुकेशनल है ना कंसल्टेंसी आईटी सॉफ्टवेयर ये सारी सर्विसेज हैं ट्रेड इन ट्रेड बैलेंस ट्रेड इन सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट ट्रांसफर पेमेंट में क्या होता है एक बहुत बड़ा मेजर है 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 आपके का 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 किसका रेमिटेंस रेमिटेंस क्या मतलब होता है? का मतलब होता होता मान लीजिए कोई एनआरआई बाहर काम कर रहे हैं उनकी फैमिली इंडिया में है तो बाहर से जो पैसा भेज रहे हैं तो रेमिटेंस ट्रांसफर पेमेंट में रहेगा इंडिया को जो ग्रांट इन एड्स दिए जा रहे हैं है ना जो बाहर से मदद दी जा रही है लोन की बात नहीं कर रहे हैं मदद की बात कर रहे हैं जिसके लिए इंडिया को वापस से पेमेंट नहीं करना है तो वो सारी चीज़ें गिफ्ट है ये सब चीज़ें जिसके लिए ट्रांसफर पेमेंट में वो सारी पेमेंट आएंगे जो इंडिया को मिल गया उसके लिए आपको वापस में कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना है अब जैसे बाहर से आना अपनी फैमिली में पैसा भेज रहे हैं तो उसके लिए ऐसा थोड़ा ना वो कोई पेमेंट रहेगा तो ये तीनों मेजर कॉम्पोनेट मिलकर करंट अकाउंट आपका बनाते हैं ठीक है तो इसमें क्या हो रहा है इंट्रेक्शन ही तो हो रहा है इंडिया का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कितना हमारा माल बाहर जा रहा है अंदर आ रहा है ठीक है कौन सी सर्विसेज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कौन सी इंपोर्ट कर रहे हैं ट्रांसफ़र पेमेंटेड पे पेमेंट्स में रेमिटेंस आ रहे हैं तो ये सब करंट अकाउंट में इसी तरह से आपका कैपिटल अकाउंट होता है जिसमें भी आप लेन देन की ही बात कर रहे हैं जैसे कि इंडिया के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफ कितना आ रहा है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कितना है ये एफ है एफ और दूसरा होता है फॉरन पोर्टफोलियो जिसे हम एफ कहते हैं एफ क्या होता है स्टेबल होता है जिसके अंदर कोई भी फॉरन कंपनी है इंडिया में पैसा डाल रही है तो वो चाहती है कि इंडिया में उस कंपनी की ऑनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोल लिया जाए जैसे कि वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को ख़रीदा दिस इज़ अ कैंड ऑफ एफ डी आई एग्जाम्पल दूसरी तरफ होते हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं ओनली फॉर द सेक ऑफ गेनिंग द प्रॉफिट कि इंडिया का मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है चलो यहाँ पैसा लगा देते हैं जैसे आप लोग हम लोग पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में उस तरह से तो ये होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो भी आपके हेज फंड्स होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड की तरह वो हो गए ऑफ फंड्स हो गए ये सब जो पैसा डाल रहे हैं तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लोज जो हैं ये आपके कैपिटल अकाउंट का पार्ट है यूपीएससी ने किस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है चाहिए ये कैपिटल अकाउंट में आएगा करंट अकाउंट में आएगा समथिंग लाइक दिस तो यू शुड भी अवेयर इसके अलावा इंडिया अगर विदेश से कोई भी बोरोइंग कर रहा है अब इंडिया में गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट सेक्टर भी आ गया तो जो भी बोरोइंग आपकी की जा रही है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग मतलब भारत से बाहर भारत के बाहर से जो भी आप बोरोइंग कर रहे हैं चाहे वो गवर्नमेंट कर रही है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है वो बोरोइंग्स यहाँ पे आएंगी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स में ठीक है एनआरआई जो अकाउंट्स हैं आपके वो यहाँ पे आप मैंशन कर सकते हैं एक्सटर्नल असिस्टेंस गवर्नमेंट एड मल्टीलेटरल लोन्स वगैरह जो भी हो गए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन तो कहने का मतलब है इंडिया के जो भी इंटरेक्शन हो रहा है इंडिया का रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी से है ना वो उसका बही खाता उसका एक तरह का जो रिकॉर्ड है दैट इज योर बैलेंस ऑफ पेमेंट दिस इज योर बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक है तो इसके अंदर करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों आएंगे जब हम केवल करंट अकाउंट की बात करेंगे मतलब हम गुड्स सर्विसेज और ट्रांसफर पेमेंट की बात कर रहे हैं बाइक अगर हम यहां पे कहते हैं करंट अकाउंट सरप्लस है तो डेफिनेटली इंडिया का क्या हो रहा है यहाँ पे पैसा उतना आ रहा है ऐसा आप समझ सकते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट होता है तो हम जनरली करंट अकाउंट डेफिसिट ही होता है इंडिया में जैसा मैंने आपको बताया सत्रह साल में पहली बार लास्ट ईयर आपका करंट अकाउंट सरप्लस था लेकिन ये जो क्वार्टर वन है हमारा यहाँ पे सरप्लस है ये अच्छी बात है क्योंकि अभी कोरोना भी जा चुका है ऐसा नहीं है कि इंडिया कम कुछ इम्पोर्ट कर रहा है इम्पोर्ट भी हम अच्छा ही कर रहे हैं तो करंट अकाउंट आपका सरप्लस हो रहा है इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल है कि आपका जो ट्रेड डेफिसिट है ट्रेड डेफिसिट वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेड इन गुड्स है ना मर्केंटाइज ट्रेड की हम बात कर रहे हैं क्योंकि तो ये जो कंपोनेंट है ट्रेड बैलेंस वाला यहाँ पे इंडिया का डेफिसिट ही रहता है नेगेटिव रहता है मान लीजिए इंडिया ने इंपोर्ट कराया सौ का और एक्सपोर्ट कराया है अस्सी रुपये का ही तो ये कंपोनेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहता है जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा करंट अकाउंट ही डेफिसिट में जाता है हालांकि हमारा ट्रेड इन सर्विसेज ये पॉजिटिव रहता है यहाँ पर डेफिसिट नहीं रहता लेकिन ये ट्रेड बैलेंस इतना ज़्यादा डेफिसिट में चला जाता है ट्रेड डेफिसिट इतना होता है कि ये पूरा करंट अकाउंट ही डेफिसिट हमें दिखाता है लेकिन इस बार क्या हुआ है इस बार आपका जो ट्रेड डेफिसिट है ये यहां पे कह रहे हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट आपका है ये थोड़ा कम हुआ है थर्टी बिलियन पे है इन कंपैरिजन टू बिलियन इन द प्रिस क्वार्टर मतलब पिछला जो इस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर वन ये जो डेटा है uh, तो उससे पहले वाला जो क्वार्टर था वहां पर फोर्टी वन बिलियन था ट्रेड डेफिसिट अब ये घट के थर्टी बिलियन हो जाता है तो एक तो ये फायदा हमें मिल गया सरप्लस होने के लिए दूसरा हमें जो बेनिफिट मिला वो मिला सर्विसेज जो है वहां पे एक्सपोर्ट अच्छा हुआ है मतलब ये जो ट्रेड इन सर्विस है हमने एक्सपोर्ट बहुत अच्छा किया है दिस इज बिकॉज वी हैव डन एक्सीलेंट इन कंप्यूटर एंड बिजनेस सर्विसेज और प्राइवेट ट्रांसफ़र भी आपके uh, अच्छे ही रहे हैं है ना ये भी इंक्रीज हुआ है तो ये दो है ट्रेड इन सर्विस ये इंक्रीज हो गया ये ट्रांसफर पेमेंट इंक्रीज हो गया है ना और जो ट्रेड बैलेंस में आपका नेगेटिव चलता था वो नेगेटिव वाला थोड़ा कम नेगेटिव रहा इसलिए आपका ओवरऑल करंट अकाउंट क्या हो गया सरप्लस हो गया तो फाइन ये सब चीज़ें ध्यान रखिए इनमें अभी भी अगर आपको दिक्कत होती है समझ नहीं आ रहा है कुछ बच्चों के हो सकता है ऊपर से चला गया हो कि सर तो ने पता नहीं क्या बता दिया तो एक आ, इंडियन इकोनॉमी राहुल भारद्वाज डाल के आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे यूट्यूब पे इंडियन इकोनॉमी बाई राहुल भारद्वाज सर्च कर लीजिए आई थिंक छः सात घंटे की एक क्लास है उस क्लास को पूरा देख लेना है ना और फिर एक बार यू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की कोशिश करना यू विल फाइंड कि हाँ यार इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं इस तरह से पूछता है ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए तो आपको इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इकोनॉमी का डर आपका निकल जाएगा ठीक <coughs> है सो वी आर रैपिंग अप सेशन ये याद करने की जरूरत नहीं है रटने की जरूरत नहीं 8 है एट बिलियन है फाइव बिलियन है इस तरह के डेटा यूपीएससी नहीं पूछता है ट्रेंड पूछता है तो ट्रेंड में ये ध्यान रख लो कि आपका करंट अकाउंट सरप्लस रहा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में पिछले सत्रह साल के गैप के बाद तो so, ठीक है दिस मच यू शुड रिमेंबर ये ध्यान रखिए कौन सा कहाँ पर आ रहा है और ये अगर आपको कंफ्यूजन अगेन यू कैन गो थ्रू दैट मैराथन सेशन मैं एक बार शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम पे इंडियन इकोनॉमी का मैराथन सेशन वो आप देख लेना तो दिस इज ऑल मेक श्योर दैट यू आर कनेक्टेड विथ मी ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे आपको इसका पी मिल जाएगा कोई आपको एग्जाम रिलेटेड डाउट है कि कैसे पढ़ना है क्या है तो उसके रिगार्डिंग भी आप कनेक्ट यहाँ पे हो सकते हैं यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट रिजॉल्व योर डाउट्स फाइन एंड वी आर हैप्पी टू अनाउंस दैट दिस ईयरस एन अकेडमी हैज़ डन एक्सीलेंट एज यू कैन सी द नेम्स ऑफ द टॉपर्स इन दिस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ट्वेंटी ट्वेंटी तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ अन अकेडमीज़ लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस होती हैं आपके टेस्ट को इवेलुएट किया जाता है डेली आंसर राइटिंग सेशनस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं फाइन ऑल दिस बेनिफिट्स आर देयर रेज हैंड के थ्रू लाइव क्लास में डाउट पूछ सकते हैं आई थिंक दिस ऑफर इज़ नॉट वैलिड क्योंकि थर्टी सेप्टेम्बर तक था जो सब्सक्रिप्शन का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं ठीक है

ठीक है एडिटोरियल्स वगैरह सब कुछ कवर किया जा रहा है पी आई बी इज ऑल्सो देयर मैगजींस हो गई योजना कुरुक्षेत्र डाउन टू अर्थ एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर दिस बैच तो ये आपके ट्वेंटी नाइन सेप्टेंबर से बैच स्टार्ट है इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर जो बच्चे दो हजार बाईस या तेईस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पूरा डेडिकेटेड बैचे है सो दिस इज द राइट टाइम टू कि स्टार्ट योर प्रिपरेशन यू कैन गो एंड एनरोल इन दीज बैचेज एंड द बेस्ट थिंग अबाउट एन एकेडमी सब्सक्रिप्शन की ऐसा नहीं है केवल आप बैच कोर्स ही एक्सेस कर रहे हैं जितने भी एजुकेटर हैं एन अकेडमी के उनके सारे कोर्सेज बैच कोर्स इंडिविजुअल कोर्स सब कुछ आप फ्री एक्सेस कर सकते हैं ओनली विद दिस वन सब्सक्रिप्शन इस संडे को आपका कॉम्बेट इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं दिस इज ऑल फॉर टूडे एंड डो नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन शेयर द सेशन फाइन ये सेशन आपका डेली बेसिस पे हो रहा है सो लेट्स रैप अप द सेशन if you are having any doubt you can definitely ask सोशल मीडिया के डिसएडवाटेज आपसे ज़्यादा कौन जानता है ना एक बार बैठ गए पूरा एक घंटा निकल जाता है पता नहीं चलता एक घंटा अगर पढ़ने बैठना है तो पता चलता है कि हाँ एक घंटा पढ़ रहे हैं इट्स य पर्सनल चॉइस कि आप यूज़ करते नहीं करते लेकिन हाँ थोड़ा सा टच में रहना चाहिए है ना अपना टाइम सेट कर लो कि मुझे पंद्रह मिनट के लिए करना है या आप नहीं भी करते हो तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ऐसा कुछ नहीं हो जा रहा है है ना ये आपकी सिलेक्शन के चांसेस को कुछ अफेक्ट नहीं कर रहा है हाँ अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो ज़रूर निगेटिवली अफेक्ट करेगा तो विल बी मीटिंग इन टुमारो सेशन ऑल द बेस्ट हैव अ ग्रेट डे